गुजरात में विधानसभा चुनाव में अब एक साल का ही वक्त बचा है। हालांकि इससे पहले नगर निकाय चुनाव में भविष्य की तस्वीर थोड़ी साफ होती दिख रही है। दरअसल भाजपा ने हाल ही में हुए 6 जिलों के निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि पाटीदार नेताओं का गढ़ कहे जाने वाले सूरत में भी उसे नुकसान झेलना पड़ा। जबकि गुजरात कांग्रेस के प्रमुख हार्दिक पटेल खुद पाटीदार आंदोलन की देन है। अब इसे लेकर हार्दिक ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी उन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही है। पाटीदार नेता ने आशंका जताई है कि कांग्रेस कुछ चेहरे उन्हें नीचे खींचने की कोशिश में लगे हैं। मोरबी के रवापुर में एक प्रचार अभियान के दौरान द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस के राज्य के नेतृत्व ने अब तक स्थानीय चुनाव से पहले उनके साथ एक सार्वजनिक बैठक नहीं रखी। हार्दिक का कहना है कि पिछले 10 दिनों में उन्होंने 27 सार्वजनिक रैली की, वो भी अपने दम पर। पाटीदार नेता ने कहा कि अगर अहमद पटेल जिंदा होते तो वो भाजपा को इतनी आसानी से 219 सीटों का फायदा नहीं लेने देते। पिछली बार निकाय चुनाव को लेकर हार्दिक ने कहा कि 2015 में पूरे गुजरात के नतीजे, फिर चाहे तालुका हो, जिला हो या नगरपालिका या महानगरपालिका, सभी कोटे के आंदोलन की वजह से आए थे। कांग्रेस को ये बात माननी होगी। मैं पार्टी नेताओं को बताना चाहता हूँ कि आप लोग उन्हें समझाना होगा जो आंदोलन से आए हैं, क्योंकि हम ही लगातार दौरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी भी मेरे दौरे जारी हैं। मेरे एक दिन का दौरा का फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं करती है। हार्दिक ने कहा, मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं, चाहे कोई और ये चाहे या ना चाहे। कांग्रेस नेता मुझे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे धक्का देकर हटाने की उन्हें कोशिश करने दे, मैं फिर भी खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि आंदोलन के दौरान भी भाजपा ने मुझे नीचे लाने की कोशिश की और मैं फिर उठ खड़ा हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी को गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल के आने से फायदा होगा या हार्दिक पटेल के कांग्रेस में जाने से गुजराती पाटीदार नाराज हो गए? आप क्या सोचते हैं हार्दिक पटेल के भविष्य को लेकर के? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।